की बात तुरंत अल्लाह मत करो। क्यों? ग्राम्य भाषा में कहा जाता है अन्न कुत्ते के पेट में चला जाएगा, अन्न गधे के पेट में चला जाएगा। आज का तार्किक कहता है कि वाह खाएंगे हम, कुत्ते के पेट में कैसे चला जाएगा। आज के डॉक्टर बतलाते हैं कि कुत्ते का पेट में अपेंडिक्स, भोजन के बाद जो अंगड़ाई नहीं करेगा कभी, उसको अपेंडिसाइटिस की बीमारी कभी सपने में भी नहीं हो सकती है। और भोजन करने के बाद जो अंगड़ाई करेगा तुरंत, उसको अपेंडिसाइटिस से कोई बचा भी नहीं सकता है, पेट चीरना ही पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि माताओं बहनों बहू बेटियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। कहेंगे कि हमको समान अधिकार मिलना चाहिए, हम क्यों नहीं बजा सकते हैं? बेटी तेरी बच्चेदानी पर प्रभाव पड़ेगा। माताएं बहनें हर महीने में रजो धर्म को प्राप्त होती हैं, मासिक धर्म जिसको कहते हैं, उस समय हमारी आंखों देखी बात है, चाहे गर्भावस्था में हो चाहे रजस्थलावस्था में हो, अगर सांप उसको छू दे चाहे काट दे तो वो साला अंधा हो जाएगा। हमने एक सांप को देखा है, हमारी एक मौसेरी बहन को, शरीर संबंधी गृहस्थ आश्रम में थे तब की बात कर, एक हमारी मौसेरी बहन को उसी हालत में सर्प ने काट दिया, वो अंधा हो गया। उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि हम किधर जाएं, क्या करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर है, बिजली का सब स्टेशन है, उसके चारों ओर घेरा लगाया हुआ है, एक फाटक है जिससे ऑपरेटर भीतर जा सकता है बाहर आ सकता है, उस फाटक पर बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है सावधान खबरदार खतरा 440 वोल्ट अंदर आना मना है। इसी का नाम है शास्त्र। शास्त्र माने शासनात् त्रायते इति शास्त्र, खबरदार करके जो हमें विनाश की ओर जाने से बचावे और जो हमें विकास की ओर चलने के लिए प्रेरित करे, उसी का नाम है शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। तो शास्त्र ने जो मना कर दिया है उससे हम एकदम बचे रहेंगे। अगर कोई ये सोचे कि हाँ हम गुरुजी से हाँ हाँ तो कर दिए, गुरुजी कहाँ हैं हम कहाँ हैं, अगर हम कुछ ऐसा कर ही लेते हैं नेत्रों से कानों से नाक से जिह्वा से, तो गुरुजी को क्या पता। अरे गुरुजी को कुछ पता नहीं, गुरुजी का कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, तुम अपना बिगाड़ रहे हो। अगर आंख का उपयोग गलत दिशा में कर रहे हो, कान का उपयोग गलत दिशा में कर रहे हो, जिह्वा का उपयोग गलत दिशा में कर रहे हो, तो उसका घाटा तुमको होगा, उसका नुकसान तुमको होगा। गर्दन से ऊपर का जो भाग है, इसी के रास्ते से संसार भी घुसता है हमारे भीतर, और इसी के रास्ते से श्रद्धा विश्वास और भक्ति ज्ञान वैराग्य और भगवान की भावनाएं भी इसी रास्ते से घुसती है। कबीर, मन तो एक है चाहे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति करो भावे विषय कमाए। चाहे इसमें संसार को बसा लो और चाहे इसमें भगवान को बसा लो। इसलिए इन बातों में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। गाली गलौज आपस में किसी की किसी बात से चिढ़ करके किसी ने किसी को गाली दी, तो अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो आपको यह सोचना होगा कि गुरुजी कहे थे कि आवत गारी एक है पलटत होए अनेक, तो कहे कबीर मत पलटिए तो वही एक की एक। उसने एक गाली दी, हमने दो गाली दी, उसने 10 गाली दी, हमने 20 गाली दी, उसके बाद गोली बंदूक निकली आई, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, बताइए परिणाम कहां तक जाएगा। गाली तो एक थी, लेकिन इस एक ने कहा कि गाली दी, कहा कि साहब वो आपको गाली दे रहा है, बोले वो दे रहा है, दे रहे, देने तो हम नहीं ले रहे हैं। कोई कुछ देने के लिए लाया, लीजिए साहब, बोले हमें जरूरत नहीं है।
तो किसकी किसके पास रहेगी वो? देने वाले के पास कि लेने वाले के पास? देने वाले के पास में। लेने वाला नहीं स्वीकार किया और लेने वाले ने स्वीकार कर लिया और कहा कि तो हम तो इसका बांध तुम्हारे पास में वापस लौटाएंगे, तुमने एक सुनाई तो हमने दो सुनाई, तुम दो सुनाए तो हम चार सुनाए, तो फिर बात बढ़ेगी और इसके बाद मारपीट तक की नौबत आ सकती है, केस मुकदमा की नौबत आ सकती है, कचहरी और जेल की नौबत आ सकती है, उसके बाद नरक और नारकीय योनियों तक की नौबत आ सकती है। हमारे एक गाली ने इतना भयंकर तिल का ताड़ खड़ा कर दिया, तो बताइए एक के बदले में चार गाली देना ज्यादा अच्छा है कि किसी की गाली सुन करके और कम खा के गम खा के रह जाना ज्यादा अच्छा है? मूल मुड़ाए की लाज निभाइयो, मूल मुड़ाए की लाज निभाइयो, माला तिलक स्वांग धरि हरि को, मार गार सब ही की सहियो। सहना होगा आपको, बहुत कुछ सहना होगा, शीत सहना होगा, उष्ण सहना होगा, घाटा सहना होगा, नफा सहना होगा, स्तुति सहनी होगी, निंदा सहनी होगी, जो कुछ आएगा उसको सहना सीखिए। अगर आप सहनशील नहीं हैं तो आप वैष्णव नहीं हो सकते, आपको दीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब बताइए इस खान पान की दिशा में और ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है, है? जो रजस्वलावस्था में रोटी बनाती हैं, वो अपना भी नुकसान करती हैं और जिसको खिला रही हैं उसका भी नुकसान कर रही हैं। हम अपनी अपने ऊपर बीती घटना बताएं, ये उन दिनों की बात है जबकि जागृत में तो भगवत चर्चा छोड़ करके कुछ थी ही नहीं, सो जाते थे तो सपना में भी ठाकुर हमारे साथ खेला करता था, हम ठाकुर के साथ खेलते थे, ठाकुर के साथ हमारी बातें होती थी। उन दिनों की बात है, एक परिवार में हम गए, संयोग से उस परिवार में और कोई नहीं था, उस परिवार वाली बहन थी जो इस शरीर के प्रति बहुत स्नेह रखती थी, बड़ा वात्सल्य। संयोग से वो मासिक धर्म में थी, हमको पता नहीं था, उन्होंने बताया नहीं कि न जाने कई महीने के बाद कि कई साल के बाद आया है और ये मेरा भैया बिना कुछ खाए चला जाएगा तो मेरे हृदय पर ठेस लगेगी, मेरी गृहस्थी कलंकित होगी। उन्होंने रसोई बनाई और जिमा दी, हमको नहीं पता था, घटी हुई घटना बता रहा हूं, अगर आप जरूरत समझेंगे तो शपथ खा के कहूंगा, लेकिन आप शपथ की आवश्यकता नहीं समझेंगे, घटी घटना है। और दिन ठाकुर के साथ हमारा खेल होता था, ठाकुर का सपना आता था और उस दिन रात भर एक बार सोए फिर सपना देखे, उसके बाद फिर जगे तो फिर सपना देखे, तो रात भर यही सपना आता रहा कि मैं ऐसे मोहल्ले में निकल गया हूँ जिसमें कि इधर लाश पड़ी है, उधर लाश पड़ी है, उधर खून बिखरा है और उधर हड्डी बिखरी हुई है, और कहाँ पांव रखूं, कहीं पांव धरने की जगह नहीं, हे भगवान कौन पाप किया था जो ऐसे मोहल्ले में आ गया। फिर इसके बाद घबरा करके आंख खुली, नींद खुल गई, फिर सोए, फिर वही दृश्य, रात भर यही दृश्य देखता रहा। सवेरे मैंने कहा कि दीदी पता नहीं क्या हो गया, आज रात भर हमें खून और मांस का सपना आया। थी भावुक, समझदार, उन्होंने कान पकड़े और स्वीकार किया, भैया भूल मेरी है, मैं मासिक धर्म में थी और मैंने रसोई बना करके तुमको जिमा दिया, उसी का दुष्परिणाम है। जो लोग मोटर सर्विसिंग स्टेशन पर काम करते हैं, मजदूर लोग, मोबिल है और तेल है और कालिक है और सब, उनके कपड़े में भी और हाथ में भी पांव में भी सब जगह कालिक लगी हुई है,
उस पर अगर एक कालिख और लग जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन साफ सुथरा जो कपड़ा है उसमें अगर एक धूल का भी अंश आकर के इस पर चिपक गया तो दूर से मालूम होगा कि इतनी दूर देखो गंदा हो गया। तो जो दिन रात पाप में सने हुए हैं उनको भले नहीं पता चले, लेकिन जो साफ सुथरे अंतःकरण वाले लोग हैं वो जिनका भजनमय जीवन है, अब तो पहले वाले जीवन में आज वाले जीवन में बहुत फर्क पड़ गया। अब पहले का सपना भी अब हमारे लिए सपना हो रहा, अब दुनिया को समझाने वाले हो गए हैं, अपने को कम समझा पा रहे हैं। यहाँ जाना है, वहां जाना है, ट्रेन पकड़नी है तो बस पकड़नी है, तो पहले ठाकुर का सपना आता था, अब ट्रेन और बस का अब सपना आता है। बाबा लोगों से रोते भी हैं तो कहते हैं कि भैया तुम थोड़ा नीचे उतरे आए हो, लेकिन तुम्हारी बातों को सुन सुन करके कुछ लोग नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, बहुतों का भला हो रहा है। चलो अगर प्यारे प्रभु को यही मंजूर है कोई बात नहीं। चार दिन के बाद तब तक जरूरत पड़े तो घर वाले अपने बना लें, पड़ोसिन से तालमेल रखें कि बहना दो दिन हमारे यहाँ तुम संभाल दो, तेरे पड़ेगी तो दो दिन हम तुम्हारे यहाँ संभाल देंगे। कोई बहन पवित्र स्थिति में भी है, ब्राह्मणी है, पवित्र स्थिति में भी है, लेकिन स्वभाव से वो चिड़चिड़ी गाली गलौज करने वाली है, अगर रसोई बनाते समय किसी पर गुस्सा करके और तेरी ऐसी है और तेरी तैसी है, तेरा धुआं कर दूं और तेरा सत्यानाश है जा, गाली गलौज करते हुए अगर रसोई बनावेंगी और उस समय की उसके हाथ की रसोई जो जो खाएगा जरूर उसके मन में चिड़चिड़ापन आएगा। और अगर वो प्रेम से हाँ एकदम मनाही है, एकदम मनाही है, जनसंपर्क से किनारे रहें, जितना अपने को बचा के रखेंगी और जितना अपनों को बचा करके रखेंगी उतना ही अपना भी भला और अपनों का भी भला, औरों का भी भला। ये नंगे सिर जो घूमती हैं सिर पर बिना अंचल रखे तो इनका भी धर्म नष्ट होता है, और जो इनको नंगे सिर देखे देखने वालों का अमंगल होता है, ये शास्त्रों में वर्णन है, हम गढ़ करके नहीं बोल रहे। इसलिए जो बहनें सत्संग में उघारे माथे आती हैं हम तो इशारा करते हैं मान जाती हैं बहुत सारी, तो इन सब बातों का ध्यान रखना शरणागति में बहुत आवश्यक है। अनुकूल आहार की दिशा में अब ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं, अब अनुकूल व्यवहार और प्रतिकूल व्यवहार, अनुकूल व्यवहार का आचरण करेंगे और प्रतिकूल व्यवहार के आचरण से हम अपने को किनारे रखेंगे। व्यवहार में कैसे समझेंगे कि क्या अनुकूल व्यवहार है और क्या प्रतिकूल व्यवहार है, इसके लिए एक ही तराजू है, शायद महाभारत का वाक्य है, भीष्म पितामह कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रोत्वा चाप्यवधारयताम, सभी धर्मों का सार सुनो और हृदय में धारण कर लो बेटे। क्या बोले आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो बात अपने लिए दुखदाई लगती हो पसंद न हो जिससे अपनी आत्मा दुखी हो जाती हो वह व्यवहार हम दूसरों के प्रति न करें, यही है व्यवहार की दिशा में क्या अनुकूल व्यवहार है और क्या प्रतिकूल व्यवहार है इसको तौलने का तराजू। उदाहरण के लिए हम किसी पर गुस्सा करके गाली देने जा रहे हैं, ऐसी गाली दें कि उसके कलेजे में छेद हो जाए, तो मुख से गाली निकालने के पहले
इस तराजू पर तौले की ऐसी ही गाली दूसरा कोई मुझे देगा तो मेरे अंतःकरण पर, मेरे हृदय पर क्या बीतेगी? मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी आत्मा सुखी हो जाएगी या दुखी होंगी? अपनी आत्मा ही बता देगी कि यही अनुकूल व्यवहार नहीं है, ये प्रतिकूल व्यवहार है। दो एक उदाहरण देकर के समझाऊं। कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है, घंटों से यात्रा कर रहा है, भोजन का समय हो गया, कुछ लेके घर से आया नहीं है, भूख लगी, अरे कुछ मिल जाता, इतने में 6 रुपए दर्जन, 6 रुपए दर्जन केला, 6 रुपए दर्जन ला भाई दो, 1 दर्जन दे दो, केला लिए, केला तो खाए और उसका छिलका फेंके, किधर रेलवे लाइन की ओर नहीं फेंके, प्लेटफार्म पर फेंक दिए, प्लेटफार्म चिकना और उस पर छिलका भी चिकना, विचार नहीं किया कि इस पर किसी का पांव पड़ेगा तो चिकने प्लेटफार्म पर उसका पांव फिसल सकता है, गिर सकता है। कोई सज्जन इंटरव्यू में जा रहे थे और उनका ध्यान था रेल के डब्बे में कि किस डब्बे में मेरे बैठने भर की सीट मिल सकती है, प्लेटफार्म पर नीचे ध्यान नहीं था। उस चिकने प्लेटफार्म पर पड़े हुए चिकने, चाहे केला का छिलका हो, चाहे आम का छिलका हो, चाहे खरबूजा का छिलका हो, ये सब चिकने होते हैं गीलापन के कारण, उस पर पांव पड़ा, फिसल गए, गिर पड़े, मत्था फटा, स्ट्रेचर पर लाद कर अस्पताल भेजे गए। क्या उनका इंटरव्यू होगा और क्या डीएम का पद पाएंगे? ब्रिटानिया कंपनी जो रेल के डब्बे बनाती है, रेल के वैगन बनाती है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर जीएम, वो ऐसे ही चले आ रहे थे, अचानक चिकने प्लेटफार्म पर पड़े छिलके पर उनका पांव पड़ा, फिसल गए और गिरे कहां? प्लेटफार्म पर नहीं गिरे, रेलवे लाइन में गिरे और उसी समय गाड़ी खूब तेजी में उनके ऊपर से गुजर गई, धज्जी धज्जी उड़ गई। उस व्यक्ति के परिवार का घाटा हुआ, उसका जीवन समाप्त हो गया, राष्ट्र ने एक इतना बड़ा ऑफिसर सुयोग्य खो दिया, एक नररत्न खो दिया, केवल एक व्यक्ति की असावधानी से कि उसने चिकने प्लेटफार्म पर चिकना छिलका फेंक दिया। ये व्यवहार अनुकूल माना जाएगा कि प्रतिकूल माना जाएगा? बच्चा भी बता सकता है कि प्रतिकूल व्यवहार है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कुछ नुकसान हो, घाटा हो, किसी की आत्मा दुखी हो। सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, बिखरने वाला दोष का भागी है कि नहीं? अब चाहे जैसे भी बिखरे, उसने तो ध्यान नहीं दिया। हम लोगों में से कोई चले जा रहे हैं, दिखाई भी पड़ गया कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, हम लापरवाही पूर्वक बिखरे बिखरे रहने दो, हमें क्या लेना देना है, हम तो जूता पहन रहे हैं, हम तो इसके ऊपर से चले जा सकते, मेरा क्या बिगड़ता है, हम तो आंख वाले हैं, हम तो बगल से कन्नी कटा के चले जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ता है? तुम्हारा तो नहीं बिगड़ता है, तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे पीछे एक अंधा व्यक्ति आ रहा है, सूरदास, उसके पांव में जूती भी नहीं है, आंख में रोशनी भी नहीं है, लठिया टेक टेक के चल रहा है, लठिया केवल ऊंचा और नीचा टीला और गड्ढा बता सकती है, ये लठिया नहीं बता सकती कि यहाँ कांच के बारीक बारीक टुकड़े पड़े हुए हैं, इन पर तेरे पांव पड़ेंगे तो तेरे पांव में घाव हो जाएगा। अगर हमने दीक्षा ले रखी है, वैष्णवता को ग्रहण कर रखी है, तो हम अपनी जेब से रुमाल निकालेंगे, भले थोड़ी देर के लिए हमें देर हो जाए, हमारा कुछ काम नुकसान हो, लेकिन हम उसको बटोर करके और किनारे ले जाकर के डाल देंगे जहां किसी का पांव पड़ने वाला नहीं है। दुनिया देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन परमात्मा देख रहा है कि आज इसने वैष्णवता के व्यवहार को निभाया। वाह बेटे, बहुत अच्छा, तुम सच्चे वैष्णव हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने।
पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रहे। तो जो अवहेलना करके चला गया, जो बिखेर करके चला गया, उसका प्रतिकूल व्यवहार हुआ, और जो उसको हटा दिया, साफ सुथरा कर दिया, उसका अनुकूल व्यवहार हुआ, परमात्मा की प्रसन्नता को लाभ करेगा। कोई बच्चा स्कूल जा रहा था, किसी पियक्कड़ स्कूटर वाले ने, जो पी करके आ रहा था मदिरा, शरीर संभालने लायक स्थिति में नहीं था, उसने उसकी स्कूटर क्या संभाल में आएगी, उससे धक्का लगा, बच्चा गिर गया। संजोग की बात, उसके पिता को निगाह पड़ी, अरे मेरा छोरा है, धक्का लगा और गिरा, आकर के तुरंत उसको उठाया। एक ही बेटा है, बड़ा होनहार है, बड़ा सदाचारी है, क्लास में फर्स्ट करता है, वो तो राष्ट्र की निधि हो सकता था, परिवार की निधि हो सकता था। धक्का लगा, गिर पड़ा, चोट गहरी आई है, लोगों ने देखकर बताया, आधा घंटा के अंदर अगर अस्पताल नहीं गया तो इसकी जान खतरे में है। अस्पताल दूर है, आधा घंटा में तो तभी जा सकता है जब कोई तेज सवारी मिल जाए। एक गाड़ी वाले बाबूजी से कहा, बाबूजी जरा मदद कर दो, चलो गाड़ी तेरे बाप की है, मुझको अपना गुलाम समझ रखा है, ना बाबूजी मैं मदद मांग रहा हूं, चलो चलो। आंखों में आंसू आ गए, अब क्या करूं, बच्चा कैसे बचेगा। इतने में एक दूसरे सज्जन बिना बताए देख रहे थे, सुन रहे थे, उनने आकर पूछा, क्या बात है, इकलौता बच्चा है, होनहार है, सदाचारी है, चोट खा गया है, आधा घंटा के अंदर अस्पताल नहीं पहुंचेगा तो इसकी जान खतरे में है, घबराइए नहीं। जेब में से चाबी निकाली, गैरेज खोला अपना, गाड़ी निकाली, तुरंत बिठाया, अपनी जेब भरी पैसे से डॉक्टर्स के यहां ले जाकर के कहता है कि बढ़िया से बढ़िया इसका इलाज करिए, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। दे दिया। तब तक लड़के का पिता कह रहा है, बाबूजी आपने गाड़ी की मदद करके समय से पहुंचा दिया, बच्चे की जान बच गई, यही बहुत है, अब आप पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं। कहा कि मैं जानता हूं तेरी गरीबी की स्थिति को, तू इतना पैसा खर्च करने के लिए घर से लाने जाएगा तो लोटा थाली बेच करके लाएगा, भगवान ने मुझे दिया है, मैंने खर्च कर दिया, तुमको अगर संकोच हो कि भाई इनका कर्ज हम अपने ऊपर क्यों रखें, मैंने तो दे देना, नहीं तो जैसे तेरा बच्चा ऐसे मेरा बच्चा। अब बताइए, जिसने फटकार दिया, चल चल गाड़ी तेरे बाप की है, उसका व्यवहार अनुकूल माना जाएगा कि प्रतिकूल माना जाएगा, घोर प्रतिकूल है, मानवता भी नहीं है उसमें, वैष्णवता तो दूर की बात है, मानवता भी नहीं है उसमें। और जिसने बिना कहे अपने आप अपने गैरेज से गाड़ी खोली और उसको लेकर के वहां पहुंचाया, इसका व्यवहार अनुकूल व्यवहार है। इस दिशा में अब ज्यादा कहने की आवश्यकता तो नहीं है, शरणागति की 6 शर्तें हैं, जिनमें से शुरू की 2 शर्तें बताई गई, अनुकूल होकर के रहो प्रभु के, प्रतिकूलता से बचो, और जो ग्रहण करना हो आहार के रूप में चाहे व्यवहार के रूप में आचरण करना हो, इनमें भी ख्याल रखो कि अनुकूल का ही व्यवहार करेंगे, प्रतिकूल व्यवहार से बचेंगे, अनुकूल आहार को स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल आहार से बचेंगे। सौदा पसंद आया आप लोगों को? ये शरणागति की शुरू की 2 शर्त है, और तीसरी शर्त है रक्षिष्यति इति विश्वासः। हम जिस प्रभु की शरण ले रहे हैं वो प्रभु समर्थ हैं और दयालु भी हैं। जिसकी शरण ली जाए वो समर्थ भी होना चाहिए और दयालु भी होना चाहिए। मान लीजिए दयालु तो खूब है,
साहब आपको देख कर मुझे बड़ी दया आ रही है, जी चाहता है कि आपको यो बचा लूं और यो सहारा दूं, लेकिन क्या करूं स्वयं असमर्थ हूं। तो दयालुता हो और सामर्थ्य नहीं हो उसकी भी शरणागति निरर्थक जाती है। आज इसमें सामर्थ्य तो खूब हो लेकिन महाक्रूर हो, महाकठोर हो, तो उसकी शरणागति करना भी बेकार होगा। जिसकी शरण ली जा रही है वो दयालु भी होना चाहिए और समर्थ भी होना चाहिए। हम जिस प्रभु की शरण ले रहे हैं सर्वेश्वर, उनसे बढ़कर कोई दयालु भी नहीं है और उनसे बढ़कर के कोई समर्थ भी नहीं है। और उनकी शरण लेने के बाद अब हमको इधर उधर कहीं गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये बात इसलिए बताई जाती है कि जब तक भगवान की शरण नहीं ली तब तक कब्र मजार पर घूम लिए, तब तक राहु केतु इत्यादि ग्रहों की, नक्षत्रों की खुशामद बहुत कर लिए, तब तक बाबू भैया का भरोसा बहुत कर लिए, लेकिन जब भगवान की शरण ग्रहण करी उसके बाद केवल भगवान का भरोसा, केवल भगवान का भरोसा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कैसे? जैसे एक पतिव्रता नारी रसोई बनाएगी, परोस के जिमाने में सास को भी ससुर को भी देवर को भी जेठ को भी आए गए रिश्तेदार और कुटुंबियों को भी सेवा करने में सबकी सेवा करेगी पति के नाते, लेकिन आशा और भरोसा सुख और संतान के लिए, आशा और भरोसा केवल अपने पति से, दूसरे की ओर ताक नहीं सकती है, दूसरे से मांग नहीं सकती है, दूसरे से भरोसा नहीं कर सकती है। ऐसे ही प्रीत कीजिए राम सो जिम पतिव्रता नार, जिम पतिव्रता नार न कछ मन में अभिलाखे, तैसे ही भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे। किसी ने खबर दी, क्यों साहब सुना है आपकी बेटी का ब्याह है? हाँ साहब सुना है, बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है उसके दान दहेज के लिए। बोले हाँ साहब करनी पड़ती। बोले बड़ा हल्ला है क्षेत्र में, कहीं ढाका न पड़ जाए। अच्छा भैया तो क्या करें? अरे बोले कि थाने में खबर करो, दो चार बंदूक वाले घूमते रहेंगे तो कोई नहीं आएगा। तो जो भगवान का शरणागत नहीं है वो पुलिस की ओर ताक सकता है, आशा भरोसा कर सकता है, लेकिन जो ठाकुर का भरोसा रखने वाला है कहेगा कि हमने जिस प्रभु की शरण ली है क्या उस प्रभु में कमजोरी है? वो हमें बर्बाद होने के लिए छोड़ देगा क्या? उससे ज्यादा सुरक्षा ये पुलिस विभाग दे सकता है? इनका बस चले तो ये स्वयं खड़े होकर के लुटवा में और हमको खा जाए। सबकी बात नहीं कहते हैं, इनमें भी ईमानदार लोग एक से एक हैं, जान पर खेल करके रक्षा करते हैं, लेकिन आजकल का जो माहौल बन गया है उसमें हम इनका भरोसा नहीं करते, हम तो प्रभु का भरोसा करते हैं। वृंदावन में एक सेठ जी थे, सेठ हरिगुलाल जी, हमारे लक्ष्य भी जानते हैं। कलकत्ता में उनका व्यापार था, व्यापार करते करते उनको एक बार ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं, हमारी कई पीढ़ी, इतनी संपत्ति हो गई है मेरे पास में कि हमारी कई पीढ़ी बैठे आराम से खा सकती है सो सकती है, अब हम क्यों आगे के जीवन में हाय हाय करें, हाय कमाओ हाय बटोरो, हाय कमाओ हाय बटोरो, अब हम वृंदावन वास करेंगे, सीधे वृंदावन चले आए। बाल बच्चे आज्ञाकारी थे, पिताजी के लिए कुछ भेज दिया करते थे। जाड़े का दिन आया, पिताजी एक बैगन सौर बना करके भेज रहे हैं संतों में बंटवारा बांट दीजिएगा, गुड़ भेज रहे हैं बंटवा दीजिएगा,
ऐसा जूता भेज रहे हैं जिसमें गो हत्या वाले चमड़े का प्रयोग नहीं होता है, बंटवा दीजिएगा, बांटते रहते थे। एक बार कुछ बदमाशों ने नोटिस दी, फलानी जगह 20,000 रुपया, उन दिनों का 20,000 रुपया बहुत ज्यादा होता था, फलानी जगह 20,000 रुपया पहुंचा दे सेठ, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा। अब सेठ जी के इर्द गिर्द वाले, हाय सेठ जी को बचाओ जैसे भी हो, पहुंचा दो 20,000 रुपया। हरगुलाल जी बोले 20 पैसा नहीं जाएगा उन गुंडों के, शराब में लगाएंगे, कबाब में लगाएंगे, गोली खरीद के लाएंगे, बंदूक खरीद के लाएंगे, उससे न जाने कितनों की हत्या होगी, हमारे पैसे से किसी की हत्या हो, हमारे पैसे का दुरुपयोग शराब और कबाब में हो, ये हमारा हृदय कभी कबूल नहीं कर सकता है। ये बिहारी जी की सेवा का पैसा है, ये संतों की सेवा का पैसा है, गुंडों की सेवा में नहीं जाएगा। 20 पैसा नहीं देने दिया, और किसकी मजाल जो ताक दे उसकी। हमारे प्रयागराज वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री फलाहारी बाबा को अश्विन के महीने में करेत सांप ने काट दिया। करेत सांप फण वाले गेहूं से भी ज्यादा जहरीला माना जाता है, और वो भी अश्विन के महीने में काट दे तो बचना संभव नहीं। अश्विन के महीने में करेत सांप ने हमारे प्रयागराज वाले गुरुदेव के यहां काट लिया।